हनुमान ने संकल्प लिया मैं शक्ति को प्राप्त हो जाऊं, आई शुड बिकम पावरफुल फोर्सफुल। इस शक्ति को प्राप्त होने के लिए उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली अर्थात वो सब कुछ करना शुरू किया जिससे शरीर में बल आता है। लेकिन अगर वो बल प्राप्त करते करते दक्षिणा के लिए तैयार ना होते तो हनुमान हनुमान नहीं रह सकते थे। क्या दक्षिणा दी उन्होंने? संयम की दक्षिणा। हनुमान नित्य प्रति प्रत्येक पल प्रतिपल संयम की दक्षिणा देते हैं, किसी को दान नहीं देते हैं। वो स्वयं अपनी एक बुराई का त्याग करते हुए उस अच्छाई को बनाए रखते हैं, क्योंकि संयम रूपी अगर दक्षिणा का दान मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? यह होगा कि मेरा व्रत और मेरी दीक्षा यानी मेरा संकल्प और मेरी पात्रता के सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल अभी कुश्ती में जीता है, उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि आपको मुंबई की फिल्म स्टार आपके साथ एक शब्द है डेटिंग के लिए जाना चाहें, तो उसकी खैर मुखाकृति ये बताती थी कि ही वॉज वेरी सिंसियर। उसने कहा, हालांकि उसके गुरु साथ थे सतपाल, लेकिन उसने उनकी शर्म के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर से ये शब्द कहे, आकृति बोल जाती है कि साहब ऐसा है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ भाती है, मेरे साथी पहलवान और गुरुजन, मुझे और कोई चीज़ भाती नहीं है। अर्थात इस समय अगर सुशील अगले ओलंपिक्स तक इस वृत्ति की दक्षिणा नहीं देगा कि मुझे बस ये भाता है जिस प्रांगण में मैं हूं, तो सुशील अगला मेडल नहीं ला सकता। मुझे सुशील के स्थान पर विजेंद्र की थोड़ी चिंता होती है, सुंदर लड़का है, मॉडलिंग में तत्क्षण चला गया है, मुंबई की एक फिल्म तारिका ने उसके लिए प्रपोजल भी डेट आदि का भेजा, और ऐसी बातें और भी आ सकती हैं, लड़के में भी चंचलपन है। लेकिन अगर उसने इस दक्षिणा को नहीं दिया तो उसका व्रत उसकी दीक्षा उसकी प्रैक्टिस जब वो करता है वो सब हो सकता है पूर्णता को प्राप्त हो या नहीं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दक्षिणा निरंतर देता रहे। दक्षिणा का अभिप्राय एक विद्यार्थी के साथ भिन्न है। एक विद्यार्थी जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, एक उच्च स्तर के व्यक्तित्व को प्राप्त होना चाहता है, अगर वो नित्य प्रति दक्षिणा नहीं देता, काहे की दक्षिणा नहीं देता, उन अस्थिरताओं की जो मन में हर घड़ी उपटती हैं, कहां से? म्यूजिक से, फिल्म से, उसको रोका नहीं जा सकता। बट ही हैज टू गिव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइसेस एवरी डे। नित्य प्रति उसको बुराई का दान देना है, अच्छाई को वरण करना है, रिटेन करना है। व्यवसायी जो उद्योग में है, उद्यम में है, वो अगर निष्क्रियता को छोड़ करके क्रिएटिविटी को नहीं नित्य वरण करेगा तो लकीर पीटता रह जाएगा, व्यवसाय धीरे धीरे उसके हाथ से खिसकता चला जाएगा। बिकॉज द टाइम्स आर चेंजिंग। सबसे अधिक अगर किसी को आवश्यकता आज के समय में दक्षिणा देने की है तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट गिव अ दक्षिणा एवरी डे। अगर वो नहीं देता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी निष्क्रियता उसी को खा जाएगी। दक्षिणा का अभिप्राय ये बैठता है। ये व्रत हमें प्रेरित करता है। क्या प्रेरणा देता है? ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति। अर्थात हम स्वयं एक व्रत के द्वारा, वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल एजेंट, वी डोंट नीड समवन टू बॉस अपॉन अस, वी डोंट नीड समवन टू बी ऑन आवर हेड, हमारे सिर पर बैठ के कोई कर 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 कर, ऐसे कभी कुछ नहीं होता। होता तभी है जब भीतर से ज्वाला फूटती, जब भीतर से एक नाद उठता है, होता तभी है। बड़े बड़े परिवर्तन, बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्हीं के द्वारा होती हैं जिनके भीतर से कोई ज्वाला उठती है। इसी के लिए प्रेरित करता है ये मंत्र। बहुत कुछ है इसके पीछे। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति। स्वयं को मैं व्रत के द्वारा दीक्षित करता हूं कि मैं पात्रता का विकास करूंगा। आई विल कैपेसिएट माई सेल्फ मोर। मैं और ज्ञान को प्राप्त होऊंगा, और धैर्य को प्राप्त होऊंगा, और शक्ति को प्राप्त होऊंगा। स्वयं को दीक्षित करता है। और फिर अगला वाक्य छोटा सा क्या कहता है इसमें? दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम। दीक्षा के द्वारा मैं दक्षिणा के बंधन को भी स्वीकार करता हूं। स्वयं इट्स ऑल सुओ मोटो। ये सब कुछ स्वयं हो रहा है। इसमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने की टोकने की कोई गुंजाइश नहीं है।
व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं व्रत के द्वारा दीक्षा लूंगा, यानी पात्रता बढ़ाऊंगा, और दीक्षा अर्थात पात्रता बढ़ाते हुए स्वयं को दक्षिणा से जोड़ूंगा, अर्थात बुराई का त्याग, अच्छाई को वर्ण करना। और अच्छाई बुराई का तात्पर्य यहां पर मोटा मोटा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उसके परिवेश और उसकी परिस्थिति के साथ अलग अच्छाइयां और अलग प्रकार की बुराइयां हैं। दोनों का निर्वाह करते हुए मैं आगे विकसित होऊंगा। अगला चरण है दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। अगला शब्द है श्रद्धा, यानी यहां एक शब्द दूसरे को रिले की तरह टॉर्च देके आगे चला जाता है। व्रत ने दीक्षा को टॉर्च पकड़ाई, दीक्षा ने दक्षिणा को दी, दक्षिणा ने श्रद्धा को दी, लेकिन श्रद्धा के पास टॉर्च आते ही कुछ अलग हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति संकल्प लेता है किसी लक्ष्य के लिए, जो व्यक्ति अपनी पात्रता अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तैयार है कि मुझे अगर इंग्लिश सीखनी है तो मुझे सीख के रहनी है, मुझे पात्रता विकसित करनी है। जैसे चीन पूरा राष्ट्र इस समय इंग्लिश के लिए दीक्षा ले चुका है, अंग्रेजी सीखने के लिए, जो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में हम व्यापार के क्षेत्र में संवाद से ना हार जाएं, क्योंकि तो संवाद में भारत हमसे बहुत आगे है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में दीक्षा ले रखी है, अपनी पात्रता को विकसित कर रहे हैं वो लोग। तो जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं स्वयं अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए उपस्थित करता हूं, और साथ ही नित्य दक्षिणा का निर्वाह करता है, अपनी रास्ते में आने वाली हर बुराई को त्याग करके अच्छाई को वर्ण करता है। यहां दक्षिणा के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मुट्ठी क्यों बांधी जाती है, उसमें पुष्प या अक्षत साथ क्यों लिए जाते हैं, और मुट्ठी उल्टी क्यों की जाती है, और कलावा बांधने के बाद पंडित जी के हाथ में क्यों छोड़ी जाती है।